हेलो मेरी रिवॉल्ट फैमिली, सबसे पहले सबको हैप्पी 2023। आशा करता हूँ कि अभी तो रिवॉल्ट वाले सुधर जाएंगे इतने वक्त बाद, और थोड़ी सर्विस इम्प्रूव करेंगे, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा ध्यान देंगे। करे तो बेटर है, ना करे तो भी जितना होगा मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। आज की वीडियो जो है वो नॉर्मली क्यूएनए होगा, और जो टॉर्क जो है बाइक उसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली और वीडियो नहीं बना पाया क्लियरली बोलो, क्योंकि जब मैं घर पे बुलाई वो बाइक तो मैंने बोला ठीक है फ़ोटो वोटो निकालता, बोले नहीं सर फ़ोटो नहीं निकाल पाओगे। तो आई डोंट नो जो भी उनका था एग्जीक्यूटिव बोला था नहीं बोलता है, तो मैं भी एक्चुअली ज़्यादा फोर्स नहीं किया, पर टेस्ट ड्राइव ली मैंने उसका, तो उसका भी मैं रिव्यूज़ बताऊंगा। तो उस पर आप डिसाइड कर लीजिए आपको लेना है नहीं लेना है, वॉट एवर वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। पर फिलहाल तो सच में उम्मीद करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि रिवॉल्ट ने सच में सुधरना चाहिए, क्योंकि उनके जब रोज जब देखता हूँ मैं ट्विटर पर उनको फॉलो करता हूँ ना, उनके वहाँ पर जो ट्वीट देखता हूँ ना, सच में सर बहुत खुशी होती है ट्वीट देख के कि यार बोल क्या रहे हैं और कितना कर रहे हैं। अब आज आई थिंक कल या परसों उनका ट्वीट आया था, चार्जिंग अ रिवॉल्ट इज इजी एज चार्जिंग योर मोबाइल फ़ोन। तो पहली बात तो रिवॉल्ट वाले को यही बोलना चाहूँगा, भाई मोबाइल फ़ोन का चार्जर हर जगह मिल जाता है, केबल भी सबको बताया, तो एक माइक्रो यूएसबी आएगी, यूएसबी आएगी या फिर जो लाइटनिंग आएगी, तो यही कुछ स्टैंडर्ड है बस और कुछ नहीं। पर कहीं पे भी चार्ज हो ही जाता है, पर रिवॉल्ट का वैसा नहीं है। आज तक कितने बंदे लोग हैं जिनका चार्जर अभी तक मिला नहीं है। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि इजी एज चार्जिंग योर मोबाइल फ़ोन, तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि अभी रिवॉल्ट का आज तक मैंने एक भी रिवॉल्ट बाइक देखी नहीं जिसमें कोई मोबाइल चार्जिंग कर पा रहा होगा। रिवॉल्ट खुद चार्ज नहीं होती प्रॉपरली, और उसके ऊपर जो मोबाइल चार्जर जो दिया है वो किस काम का है आई डोंट नो, पर वो मैं ही करने वाला हूँ मुझे पता है, और मैं ही अभी एक्चुअली वही एक बचा हुआ है तो सोचता हूँ चलो वो कर लूँगा, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ वो मोबाइल चार्जर कैसे चालू किया जाए। तो ठीक है फिलहाल तो वही बात है, और बहुत फिलहाल एक्सीडेंट देख रहा हूँ मैं, तो मेरे जो सब्सक्राइबर है या जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स, सभी मेरी फैमिली ही है, सच में सभी मेरी फैमिली है। कुछ दिनों पहले मेरे आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ पाम बीच रोड पे, वहाँ पे दो लोगों की शायद मौत हो गई आई डोंट नो, पर देखा मैंने उनकी बॉडीज वगैरह हटाई मैंने, दोनों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे यही बात है। तो यार देखो एक फ्रैंकली बोलूँ सबको एक बात बताना चाहता हूँ, आप हेलमेट पहनो ठीक है, मैं नहीं बोलता गारंटी है पर हेलमेट पहनो ठीक है, रिस्क मत लो हेलमेट पहनो, और जो बंदा बिना हेलमेट है उससे आप थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखो, क्योंकि इतना याद रखो कि वो बंदे को जिसको खुद की परवाह नहीं है ठीक है वो आपकी क्या परवाह करने वाला है। तो भाई जो भी आपको बंदा दिखाई दे जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि भाई वो बोलते हैं खतरों का खिलाड़ी है, और वो भाई निकल पड़ा है अभी अपने मंजिल की तरफ, तो तुम उसके साथ में तुम मत निकलो, डिस्टेंस बना के रखो, दूर रहो उससे, क्योंकि वो खुद जाएगा और तुम्हें भी लेके जाएगा। वैसे मैं देखा हुआ है जितने रिवॉल्ट वाले सभी अच्छे से हेलमेट पहन के गाड़ी चलाते हैं, मुझे खुशी है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि घर पर फैमिली को तो वेट कर रहा होता है। और एक सिंपल लॉजिक तो यही है कि देखो मैं नहीं बोलता कि कितने लोग हैं जिनको मैं बोलता है अरे हेलमेट पहन, या जो रिस्क लेते हैं बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं, मैं बोलता देख, और रफ ड्राइविंग करके निकल भी जाते हैं और बाद में बोलते देखा कुछ नहीं हुआ। तो देखो यार तुम्हारा कौन सा चांस जो है ना वो लास्ट चांस रहेगा ये बात किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये जो हुआ ना इंसिडेंट वो लास्ट चांस था जब तुम्हारा टिकट निकल जाएगा, और तब तुम बोलेगे काश यार उस वक्त मैंने ये रिस्क नहीं लिया होता। इसलिए प्लीज
कौन सा चांस जो है ना वो लास्ट चांस है, तुम नहीं बोल सकते तो मत यूज करो यार। मैं मानता हूँ बहुत सारी लाइफ लाइन होगी आपको, पर कौन सी लाइफ लाइन आपकी लास्ट है ना वो कोई नहीं बता सकता। वो सिर्फ तभी पता चलेगी जब आपकी लाइफ लाइन वो डिलीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और कोई लाइफ लाइन नहीं बची रहेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई वो लास्ट लाइफ लाइन थी मेरी, अब आगे से मैं कुछ कर नहीं सकता, ख़त्म, फिनिश। ऐसी बात है, तो प्लीज़ थोड़ा सा यार लंबी उम्र जियो ना यार, ऐसा है अच्छे से जियो। ये ज्ञान यू ही दे रहा था मैं, क्योंकि न्यू ईयर है तो यार शुरुआत में ही अगर कुछ अच्छा एक बोलते हैं ना, मतलब एक हैबिट लगाओगे तो अच्छी बात रहेगी। तो जिन लोगों ने हेलमेट छोड़ दिया था या त्याग कर दिया था हेलमेट का, प्लीज़ पहनो यार, पहनो, अच्छा लगता है, आंखें नहीं फूटेंगी तुम्हारी। मैं जब ड्राइव करता हूँ नॉर्मली, मैं घर से निकलता हूँ वैसे हेलमेट पहन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, वो धूल वगैरह मिट्टी इतने चेहरे पे लग जाती कि मैं सांवला रहूँगा तो भी गोरा दिखाई देता हूँ, इतनी पाउडर मेरे चेहरे पे चिपक जाती है, आँखों में इतने पत्थर चल जाते कि रात को सोता हूँ सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ तो यार इतने मिट्टी निकलती है आँखों से कि सोचता हूँ कहाँ पर गया, कहाँ पर था एग्जैक्टली मैं, तो यार कैसे चला लेते आई डोंट नो। हाँ मैं मानता हूँ हेयर स्टाइल खराब हो जाती है, पर यार जिंदा रहोगे तो हेयर स्टाइल दिखा पाओगे ना किसी को, मरने के बाद कैसी भी हेयर स्टाइल हो, आई मतलब लड़की कोई भी पट भी जाएगी तुम्हें तो क्या करोगे, तुम तो भाई खत्म हो चुके रहोगे, तो डोंट डू दैट प्लीज, डोंट डू दैट। ओके सॉरी जरा बातें जो है ये इमोशनल बातें, पर देखा जब ना मैंने एक्सीडेंट में बहुत बुरा लगा सच में, मैंने वीडियो नहीं बनाई और प्लीज़ मैं देख रहा था वहाँ पे वीडियो बना रहे थे कुछ लोग, मैं सभी मेरे जो सब्सक्राइबर्स है जो व्यूवर्स है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ यार प्लीज़ वीडियोस मत बनाओ, वीडियो बनाने से अच्छा ना यार तमाशा बोलते हैं किसी का तमाशा मत देखो यार, उससे अच्छा मदद करो। अब जब मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, मैं जब एक्सीडेंट देखा पाम बीच रोड पे तो वहाँ पे बॉडी तड़प रही थी उसकी, और लोग बंदे लोग मस्त उसकी वीडियो बनाने पे, अरे वो तड़प रहा है वहाँ पे, जान बच सकती उसकी, मैं अकेला बंदा उसको घसीट रहा हूँ पर कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, वीडियो बना रहे भाई, मतलब जान से ज़्यादा अभी एंटरटेनमेंट प्यारा हो गया है, बस यही बच गया ना अभी। इंसानियत नाम की कोई चीज़ जो है ना वो तो छोड़ ही दो, पर बहुत गंदा लगा वो वीडियो देख के, क्या क्या मिलने वाला है यार, कल तुम्हारे भी साथ में हादसा होगा तुम्हारा भी वीडियो ऐसे ही बनेगी, इतना याद रखो जो वीडियो बनाते हैं ना उनको मैं यही बोलता हूँ कि यार तुम्हारी भी ये हालत हो सकती है, तुम भी तड़प रहे होगे और तब जो है ना कोई वीडियो बनाएगा तुम्हें अस्पताल लेके जाए की जगह पे, प्लीज डोंट डू दैट। और रियल में मैं तो मुंबई पुलिस से या पूरा जितने पुलिस वालों से सबसे बोलना चाहता हूँ, जो भी ऐसे वीडियो बना के नेट पर डालते हैं ना ये एक्सीडेंट वाले, उनको पहले पकड़ के डालो अंदर, क्यों मालूम है, वो वहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहे थे, वीडियो बनाने में बिजी थे रैदर देन हेल्पिंग समवन एंड ट्राइंग टू हेल्प दम रीच हॉस्पिटल, दे वर जस्ट क्रिएटिंग द वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट व्हाट्सएप पर डालने के लिए। और क्या वीडियो डाल के क्या क्या बनाओगे यार, क्या 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 कमाओगे, कितना मिलेगा, चल ठीक है बना भी लिया क्या है, आज मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी इनकम नहीं है ऑनेस्टली ना, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता सीरियसली, मेरा इंटेंशन ये है बस हेल्प करना है, पर क्या बाकी लोगों का यार ये वीडियो बना के क्या मिलने वाला है, अरे किसी की जान बचाओगे ना सच में बोल रहा 100 पुण्य लगेंगे, पुण्य छोड़ो यार एक खुशी मिलती है दिल में कि मेरी वजह से एक जान बची, यू विल बी प्राउड, तुम्हें प्राउड फील होगा खुद पे कि तुम्हारे वजह से किसी की जान बच रही है, अरे इंसान बनो यार जानवर मत बनो, सच में जानवर भी नहीं है यार, जानवर भी एक वक्त तक कभी तो हेल्प करते, पर यार बहुत बुरा लगा मुझे, मैं अकेला वहाँ पे रास्ते पे बॉडी घसीट रहा था जिसकी वजह से उसका आधा भेजा तो बाहर ही निकल गया था। मैं भी कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ ऑनेस्टली, मैं भी कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, ना ही पॉलिटिशियन हूँ, कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल आदमी हूँ, पर मुझे एक बंदा जो है वो मेरा कोई नहीं लगता, पर मुझे इतना पता है कि भाई किसी का तो कोई तो कुछ तो लग रहा है, तो कोशिश किया करो कि प्लीज
वीडियो बनाने की जगह पे ना यार, कुछ ऐसे करो कि कोई बोलता है तुम्हें थैंक्स बोले यार। ये वीडियो डालते हो तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, जहाँ पे डालते हो, कितने लोग तुम्हें थैंक यू बोलते हैं? क्या मिलता क्या है? इंसान तड़प रहा होता है और मस्त एंजॉय करते रहते, देखते रहते कैसे तड़प रहा है, उसका वीडियो लेके। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। सच में बुरा लगा उस वक्त भी मुझे। मैं लड़ा, कुछ व्यूअर्स हो गए जिनको मैंने वहाँ पे गालियाँ भी दी रहेगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैंने गालियाँ दी, आई एम सॉरी, गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी, पर हरकतें भी ऐसी कर रहे हो ना तुम। उन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे, जो भी उनका कर्म थे वो हो गया, पर एटलीस्ट तुम्हारे हाथ में जो है वो तो मत करो। ये मोबाइल हाथ से छोड़ के ना उल्टा किसी को हाथ दो, जिंदगी बचाओ, बहुत अच्छा काम है, करो। ठीक है प्लीज, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ ना कोई संत हूँ, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बस हाँ मुझे मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है किसी की हेल्प करूंगा तो, भले मेरे शर्ट पे कितने भी दाग लगे, मेरे कपड़े कितने भी गंदे हो जाए, किसी की मदद हो रही है मुझे खुशी होती है, यही बात है। अभी भी रात को 10 साढ़े 10 बजे फोन आ जाते हैं, पता नहीं कौन किधर से नंबर देते हैं, फोन आ जाते हैं, भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, फिर भी टेढ़ा बात नहीं करता हूँ, क्यों जान दो जो भी है यार। लाइक वो क्यों फोन कर रहा है, तकलीफ में है यार, तो समझ लेता हूँ, जान दो क्या करूँ, इट्स ओके, कर लेता हूँ, जितना होगा उतना हेल्प करता हूँ, बाकी क्या है, इंसान हूँ ना, इंसानियत निभाता हूँ बस, दैट्स ऑल। आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, 2022 जा चुका है, अभी 2023 है, कोरोना में बहुत कुछ देख लिया हमने ऑलरेडी, कि पैसा कितना काम आया और क्या कितना काम आया, हर चीज़ देख चुके हैं। जेब में इतना पैसा था पर सामान नहीं खरीद पा रहा था इंसान, ये एक ऐसा मोड़ था, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसी बात है। तो प्लीज़ मत कीजिए, ये फेम लाइक्स वगैरह ये सब सब कुछ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता यार। सेलिब्रिटीज जो है, जो आज आज 100 150 फिल्म में काम करके जा चुके हैं, उन्हें भी आज कोई पूछता नहीं, कितने सारे ऐसे हैं। तो यार मत यार, सेलिब्रिटी वगैरह मत बनो, हेल्प करो बस, और कुछ नहीं, खुशी मिलेगी तुम्हें, तुम्हें फैमिली वालों को खुशी होगी कि मेरे बेटे ने कुछ तो किया यार, किसी की जान बचाई, प्राउड यार। सॉरी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, पर ठीक है, वो मैं तो मिलिट्री वालों को भी, जो भी आर्मी में मेरे दोस्त भाई फैमिली जो है उनको भी सच में हैप्पी 2023 कहूँगा। आपकी वजह से सच में बहुत सारे लोगों की जान बच रही है, तो सच में बहुत, मैं उनको दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा है। तो हम तो आर्मी में जाने, हमारी सच में हम तो फट्टू लोग हैं, हमारे आर्मी में जाने इतनी औकात नहीं है कि वहाँ पे जाके किसी की जान बचाए, पर यहाँ पे एटलीस्ट तुम्हारे जो कंट्रोल में वो तो करो यार, बस इतना ही कहूँगी। ठीक है चलो, बोलने के जाऊँगा बहुत ज़्यादा बोल दूंगा तो मुझे मालूम है मेरे व्यूअर्स जो है सब्सक्राइबर जो बोलेंगे भाई इमोशनल हो गया था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बट सच में वो मतलब बुरा लगा था, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं चुप नहीं रह सकता, मैं कुछ तो करता ही हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो एनीवेज ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले कमेंट्स में। गुरु के आर जी ने लिखा है, सर मेरे रिवॉल्ट का हैंडल राइट साइड करते समय 95 एरर आ रहा है। ओके, आपका जो है हॉल सेंस थ्रोटल का जो सेंसर जो है, ठीक है, उसकी वायर लूज है एक्चुअली, तो उसकी वायरिंग का वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो आप जब टर्न मार रहे हो ना, तो एक्चुअली मुझे लग रहा है पिन आपकी निकल चुकी है थोड़ी सी, तो पिन कैसी है, राउंड राउंड वाली पिन है थोड़ी सी, जिसके अंदर करीबन मैं कहते 3 या 4 वायर्स रहेंगी, पर वो राइट साइड में ही है वो, तो राइट साइड का पैनल अगर आप ओपन करोगे तो आपको वो पिन नज़र आएगी, उसे एक बार खोल के फिर से लगा दीजिए, और कौन सी वायर थ्रोटल की वो अगर आपको देखना है तो मेरी वीडियो देख लीजिए प्लीज़, आपको पता चल जाएगा। तो वो देख लीजिए कौन सी वायर है थ्रोटल की, और वो वायर को आप खोल के अच्छे से टाइट करके लॉक कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
बींग होनेस्ट जी ने लिखा है, सर वीडियो बनाओ फुल गार्ड ऑन इंस्टॉलिंग, बना चुका हूँ ना मैं कि कैसे इंस्टॉल करना है ये इंडिकेटर्स वगैरह। एक्चुअली कोई पकड़ने वाला था नहीं तो मैंने जैसे वैसे बना दिए वीडियो, वन मैन शो हूँ तो बना दिए। देखिए अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, मैं बना दूंगा जरूर। गौरव सिंह जी ने लिखा हुआ है, सर हाउ डज स्पीड लॉक वर्क। एक्चुअली स्पीड लॉक कैसे वर्क करता है तो देखिए, अभी ये कंट्रोलर का बेसिकली जो है ना फीचर है कि कंट्रोलर को जिस तरह आप फर्स्ट मोड में लॉक कर देते हो, जैसे आप फर्स्ट मोड जो यूज़ करते हो, तो उसी तरह जो है फर्स्ट मोड में जब आप लॉक जब करते हो, मतलब लॉक नहीं सॉरी, फर्स्ट मोड में जब आप गाड़ी चलाते हो, सेकेंड मोड में गाड़ी चलाते हो, थर्ड मोड में, तो कैसे कंट्रोलर वर्क करता है कि कंट्रोलर जो है वॉट पे वर्क करता है। तो जिस तरह आप फर्स्ट मोड पे अगर रख रहे हो तो आपका नॉर्मल जो कंट्रोलर जो है वो 800 से लेके 900 वॉट पे चलता है, तो उस वक्त इसलिए वो जो है मोटर उतनी स्पीड में नहीं घूमती। फिर जैसे आप सेकेंड मोड में डालते हो तो आपका जो है वो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअली इसका कैलकुलेट नहीं किया, ओकिनावा प्रेस का मैंने किया हुआ था तो उसका समझो बात अलग है, पर इसका मैं बता रहा हूँ। तो और जब आप थर्ड मोड में जब चलाते हो तब आपकी मोटर को तो कंट्रोलर 3000 वॉट जो है पीक लेवल जो है वो आउटपुट देता है, तो उस वजह से बाइक फुल स्पीड में भागती है। तो आप जब स्पीड लॉक जब करते हो तो क्या होता है कि कंट्रोलर जो है ये 1 2 3 मोड जो है, ये तीनों मोड का जो है फर्स्ट मोड जो आता है उसका और तीन पार्ट जो है नीचे कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलर फर्स्ट मोड पे 1000 वॉट पे रन करता है, अगर ऐसा पकड़ के चले अगर हम, तो जब आप स्पीड लॉक मोड में जब गाड़ी जब चलाते हो तो पहला आपका कंट्रोलर जो है ना वो कितना मोड में चलेगा, करीबन 300 वॉट पे चलेगा, 300 वॉट पे चलेगा, फिर उसके बाद में करीबन 600 या 700 वॉट, और फिर जब आप थर्ड मोड जब चलाओगे स्पीड लॉक मोड में तो आपका वो 1000 वॉट पे चलेगा। तो बेसिकली इट्स अ कंट्रोलर फीचर, आपका कंट्रोलर जो है हाफ कैपेसिटी पे वर्क करने लगता है, तो नॉर्मली ये बात है, ठीक है। सुभंजन अधिकारी जी लिखा हुआ है, क्रूज कंट्रोल हो सकता है या नहीं। जी हाँ, क्रूज कंट्रोल हो सकता है। एक्चुअली एक इक्विपमेंट आता है, एसेसरी है बेसिकली, बाइक एसेसरी, वो आपको जो थ्रोटल जो है उसके ऊपर लगानी होती है, उसके बाद आपको जितना पे आपको स्पीड लॉक करना है आप क्लिक करोगे उसे तो वहाँ पे लॉक हो जाता है। वो क्या करता है, थ्रोटल को जो है वो वहाँ पे लॉक कर देता है उतने इसमें, और वो ऑटोमेटिक आपका थ्रोटल लॉक होने के बाद में वो कंटिन्यू उतनी स्पीड पे आपकी बाइक चलती रहती है। तो हाँ, क्रूज कंट्रोल का फीचर है, चाहिए वो एक्चुअली मुझे ज़्यादा यूजफुल लगा नहीं, पर ठीक है, फिर भी जो लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर चाहिए तो ठीक है, मैं बता दूंगा, ट्राई करता हूँ वीडियो। आज की वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है तो मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं लूँगा फिलहाल, तो ले ही लेता हूँ। सुल्तान शेख जी ने लिखा हुआ, बैटरी नॉट चार्जिंग फ्रॉम द मेन सॉकेट एंड जीरो बैटरी ब्लिंकिंग, वी हैव चार्जिंग डायरेक्टली ऑन द बैटरी, सो प्लीज़ गिव सॉल्यूशन और मेक अ वीडियो ऑन दिस प्रॉब्लम। सुल्तान शेख जी, मैंने पहले भी बताया था कि चार्जिंग का जो है आपका, अगर चार्ज हो नहीं रहा है डायरेक्टली अगर आप लगा रहे हो तो पहले तो बैटरी ब्लिंकिंग, बैटरी नहीं आपका चार्जर ब्लिंक हो रहा है, तो आप MCB जो है आपका वो ऑन रख के ही बैटरी चार्ज किया कीजिए। अगर फिर भी अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो आप चार्जर को निकालिए, पहले 5 मिनट चार्जर को निकाल के रखिए, मतलब मेन प्लग से डिस्कनेक्ट कर लीजिए पहले, तो उसकी वायर वगैरह निकाल के टोटली डिसमेंटल करके रख दीजिए चार्जर को, सिर्फ गाड़ी को चार्जर लगा के रखिए और मेन प्लग जो है वो बंद रखिए। जब पूरा चार्जर की लाइट पूरी बंद हो जाएगी उसके बाद जो है आपको 5 मिनट बाद चार्जर ऑन कर लीजिए, फिर देखिए आपका शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैं वीडियो बना दूंगा। और रही बात जीरो बैटरी ब्लिंकिंग, जीरो बैटरी अगर आपका दिखा रहा है तो फिर मैं बना चुका ऑलरेडी, किक पिन जो है उसको आपको थोड़ा सा बेंड करना होता है तो आपका जो है चार्जर जो है वहाँ पे डिटेक्ट करेगा और वो बैटरी परसेंटेज दिखाना चालू करेगा, तो यही है। ITI बेरोजगार जी ने लिखा है, मेरा चार्जर सिर्फ 99 करता है बट ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होता, ऐसे कैसे।
मतलब आपने पूरा दिन रात चालू रखा तो आपका चार्जर जो है बंद ही नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो स्ट्रेंज है। एक्चुअली ऐसा चार्जर मुझे ज़रूरत है, तो आप कौन से एरिया में बता दीजिए, मुझे आपके चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक करना है। हाँ तो आप दूसरा चार्जर लगा के देख लीजिए, मुझे चार्जर का इशू लग रहा है। ठीक है, एसके मिनरोल जी ने लिखा हुआ है, भाई हेडलाइट स्विच ऑफ कैसे करते हैं और रिप्लाई करना, सॉरी उसकी वीडियो बनाना था पर बीच में ये न्यू ईयर आ गया और फिर मेरा दो तीन काम आ गए तो नहीं बना पाया वीडियो, पर बना दूंगा। चलिए पता चल गया कैसे भी बनाना है वो तो हो जाएगा। ओके तो फिलहाल तो इतने कमेंट्स के मैंने जवाब दे दिया, अभी मैं आता हूँ नॉर्मली टॉर्क के रिव्यू के बारे में, टॉर्क के बारे में डिटेल्स आपको दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों को टॉर्क में इंटरेस्टेड नहीं वो वीडियो स्किप कर दिया अभी या छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप देखना हो जाएगा। तो टॉर्क के बारे में तो रिवॉल्ट का एक्सपीरियंस तो ले ले चुका हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी टॉर्क का भी एक्सपीरियंस लेता हूँ, सोच रहा था लेने का, तो मैंने टॉर्क वाल को फ़ोन किया, उन्होंने बोला हम आपको होम डिलीवरी ला के देंगे बाइक की, आप टेस्ट ड्राइव ले लीजिए और डिसाइड कर लीजिए। तो टॉर्क मैंने चलाई, अच्छी लगी बाइक, टॉप स्पीड वाज अराउंड 100, पर रेंज मुझे कुछ खास नहीं लगी, रेंज मुझे कुछ खास नहीं लगी, मतलब क्या देखा तो वही नॉर्मली 100, उन्होंने कहा कि आप अगर मतलब रिवॉल्ट से बेकार रेंज है, पावर अच्छी है गाड़ी, वजनदार भी है गाड़ी, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी बेटर लगी मुझे, रिवॉल्ट से बेटर लगी मुझे जो टॉर्क की बिल्ड क्वालिटी, पर प्राइस एक तो ज़्यादा लगी, प्राइस मुझे कहा गया कि सब्सिडी मिलने के बाद ये गाड़ी आपको पड़ेगी अराउंड 1,67,000 की बाइक पड़ेगी, मतलब सब इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूड करके, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। उसके बाद जो है मुझे टॉर्क मारे का इशू ये लगा कि उन्होंने सिर्फ 40,000 किलोमीटर्स की बैटरी वारंटी दी है या फिर 2 साल, जो कि सच में कम है। आप सोचें, आप गाड़ी आप ले रहे हो 1,60,000 की और बैटरी वारंटी इतना कम, तो नहीं यार, लाइक मुझे थोड़ा सा ये बात अच्छी नहीं लगी, और एक तो बैटरी स्वैपिंग भी नहीं है, तो ये बाकी हैंडलिंग वॉज गुड। अगर आप मुझे पूछोगे कि रिवॉल्ट और मतलब जो भी है, मतलब तीन चार बाइक का मैं ऑप्शन देता हूँ, एथर तो ऑब्वियसली चला चुका हूँ, मेरे घर के बाजू में ही शोरूम है, तो एथर का तो मुझे पता है, एथर ओकिनावा इनका तो कुछ ऐसा ये नहीं है, पर ठीक है। अब अगर आप पूछोगे कि रिवॉल्ट, ओला और मैं हाई स्पीड गाड़ियों का, मैं और जिनका रेंज नॉर्मली 100 के आसपास है उनकी बात करता हूँ, तो तीन गाड़ियाँ जो है जिनकी रेंज जो है और जो थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट है वो है, एक तो ओला है, दूसरी जो है वो है रिवॉल्ट, और तीसरी मैं इनको पकड़ रहा हूँ टॉर्क को। तो टॉर्क और इसमें अगर आप पूछोगे तो मुझे टॉर्क सच में ज़रा एक्सपेंसिव लगी मुझे, मतलब ऐसे कुछ प्रीमियम ने सच बोलना कुछ स्पेशल ऐसे कुछ फील नहीं हुआ। हाँ बाइक मुझे ऐसा फील हुआ जैसे नॉर्मल बाइक चला रहा हूँ मैं, जैसे मैं मेरे पल्सर चलाता हूँ तो मुझे जो फीलिंग आती है मुझे वही फीलिंग आई, कट बिट मारते हो, गाड़ी थोड़ी वजनदार थी, हेवी है, चेसिस से अच्छी स्ट्रांग दी है, बट प्राइस रेंज पे मुझे रिजनेबल नहीं लगी। आई होप कि अगर टॉर्क वाले कल इन फ्यूचर प्राइस का ड्रॉप करेंगे तो वेल एंड गुड है, पर अभी उनका मैं पूछा तो टॉर्क का मुझे जो बताया गया 167 वो मुझे बताएगा कार्टोस आर का। मैं उनको कहा कि कारतूस वगैरह जो रहेगी वो दे दो जी, मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो सस्ती रहेगी तो वो मैं ले लूँगा, क्योंकि मेरे कैसे दोनों में करीबन 20,000 का कुछ डिफरेंस है शायद से, तो मैं सोचा मुझे वो अगर मिल जाती तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो देवर लाइक नहीं, हमने कारतूस बंद कर दिए, कारतूस आ रही है अभी, तो ये गलत किया, पब्लिक एटलीस्ट सस्ती रहेगी तो वो तो लेती ही तो थी, पर वो ना देखे इन्होंने ये दे दिया, तो लाइक नहीं गलत है, थोड़ी उस वजह से सेल्स पे इम्पैक्ट होगा, फिर भी ठीक है। अगर ऐसा कोई है जो लेना चाहता है तो ले सकता है। फास्ट चार्जिंग का मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला हमने फास्ट चार्जिंग अब तक चालू नहीं की है, पर
फीचर आपको मिल जाएगा। कार्टोस और आर और कार्टोस में डिफरेंस क्या है मुझे पूछा गया, मैंने जब पूछा उनको तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि कार्टोस में फास्ट चार्जिंग नहीं है जबकि कार्टोस आर में फास्ट चार्जिंग है। इसके अलावा रेंज दोनों का सेम है, दोनों का टॉप स्पीड जो है कुछ करीबन 100 and 203 तक जाता है मैक्स। मतलब मैंने फुल भगाया था गाड़ी, तब मैंने देखा तो वहाँ तक टच हो गया था वो। पर एक्सप्लेनेशन जो है ना मुझे थोड़ा बेटर लगा रिवोल्ट का। और इसका अगर देखेंगे तो रिवोल्ट का कैसा है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि रिवोल्ट का एक्सेलरेशन मुझे जो फील हुआ वो ये कि शुरुआत में, मतलब आप जब स्टार्ट करते हो थर्ड मोड पर गाड़ी डायरेक्ट एक्सेलरेटर दोगे तो आपका जो इंस्टेंट जो रेस्पॉन्स जो मिलता है गाड़ी का, एक्सेलरेशन मिलता है वो बहुत रैपिड मिलता है। पर जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाता है वो पावर जो है वो पूरी कम हो के इतनी कम हो जाती है कि इवन सामने से विंड ब्लास्टिंग आती है तो गाड़ी आपकी 85 के ऊपर भी जाएगी नहीं, वो बात हो जाती है। तो उसके लिए आपको बराबर वो बोलते हैं एकदम ओपन रोड होना चाहिए, सामने से विंड ब्लास्टिंग नहीं, तभी आपकी गाड़ी उतनी चलेगी। तो वो सब इश्यूज मुझे इसमें फील नहीं हुआ कार्टोस में, मतलब टॉर्क के कार्टोस, हाँ कार्टोस है तो कार्टोस में मुझे टॉर्क के वो प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। एक्सलेशन एकदम प्रॉपर एंडिंग तक एक्सलेशन जो है वो प्रॉपर था, कांस्टेंट था एक्सलेशन, कहीं पर ऐसा फील नहीं हुआ कि कम ज्यादा। इवन स्टार्टिंग में जो मैंने जैसे थर्ड मोड पे गाड़ी चलाई और फुल थ्रोटल नहीं दिया, मतलब थोड़ा थ्रोटल दिया तो जर्की राइड नहीं फील हुई मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया हुआ है कंट्रोलर का प्रॉपरली प्रोग्राम किया हुआ है, तो उस वजह से स्टार्टिंग में जो एक्सलेशन जो है वो कम मिलती है और जैसे जैसे पावर की जरूरत पड़ती है आप ज्यादा एक्सलेटर देते हो तब आपको और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त बराबर वो पावर देता है, उस वजह से गाड़ी इजीली आपकी 100 तक पहुंच जाती है, तो वो एक बेनिफिट लगा। पर फिर भी गाड़ी का मतलब रेंज अगर आप मुझे पूछोगे, जिस तरह बैटरी ड्रॉप हो रही थी, मैं गाड़ी करीबन 40 मिनट्स तक चलाई तो मैंने देखा कि बहुत रैपिडली गाड़ी की बैटरी डाउन हो रही थी, जिससे मैं तो इतना ही कहूँगा, मतलब मुझे कहा गया 100 का रेंज, पर सच कहूँ तो मुझे लग रहा है थर्ड मोड पे गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 75-80 देगी, 75-80 के ऊपर रेंज देगी ऐसा लग नहीं रहा। मतलब जस्ट मैं एजम्पशन लगा रहा क्योंकि मैंने उतनी चलाई नहीं, पर जितने रैपिडली बैटरी डाउन हुई ना उसका मैं बोल रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे ये हुआ। और फर्स्ट मोड पर अगर आप गाड़ी चलाओगे तो मेरे ख्याल से हाँ दे देगी 100 दे देगी 100, तो उन्होंने भी वही कहा था कि 100 से आप 80 का रेंज पकड़ के चलिए। तो बाकी ग्रिपिंग वगैरह जो है मुझे ठीक ठाक लगी, पर हाँ थोड़ा सा टायर स्कीड हो रहा था पीछे का जब मैं स्पीड में जब चलाया, थोड़ा सा स्टंट मारे, स्टंट मतलब नॉट एग्जैक्टली उस तरह के, पर मैं देख रहा था गाड़ी कैसी है, तो लाइक बोलते हैं मतलब मैं सेफ जगह पे गार्डन के अंदर जहाँ पे मतलब कोई गाड़ी नहीं आती वहाँ पे मैं गाड़ी को जस्ट थोड़ा सा एक्सलेटर देख रहा था, ब्रेकिंग चेक कर रहा था, टेस्टिंग कर रहा था प्रॉपरली। तो उस तब मैंने देखा कि मुझे फील ये हुआ कि रिवोल्ट जो है रिवोल्ट की हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर लगी मुझे कंपेयर टू टॉर्क, क्योंकि टॉर्क का मुझे पीछे का फील हुआ कि जब मैं जोर से ब्रेक जब दबा रहा हूँ ना पीछे का तो गाड़ी का टायर थोड़ा स्कीड हो गया था, जबकि रिवोल्ट में नहीं होता क्योंकि रिवोल्ट में कॉम्बी ब्रेकिंग दिया हुआ है, तो पीछे का ब्रेक जब आप दबाते हो जोर से एकदम तो आगे का ब्रेक भी लगना चालू हो जाता है, तो उस वजह से गाड़ी उतनी स्कीड नहीं होती, जो कि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि पीछे का टायर थोड़ा स्कीड जैसा फील हो रहा था, मतलब स्पीड में मैं ब्रेक दबा रहा था तभी की बात है, तो मे बी कुछ ग्लिच होगा और इन फ्यूचर इट माइट बी रिसॉल्व्ड, तो कर लेंगे शायद से। तो अगर आपका बजट 160,000 से ऊपर है अगर और आपको रेंज की फ़र्क नहीं पड़ती, मतलब अगर ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करते हो बाइक, तो आप एथर जो है उसके रेंज में आप टॉर्क भी ले सकते हो, ऐसी बात है, क्योंकि शायद एथर भी अभी प्राइस बढ़ा दिया है ना, तो उसी के आसपास ही है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही है टॉर्क का, पर फिर भी जिनको बजट का इशू नहीं उनके लिए ठीक है, पर कंपनी ने अभी सस्ते में वर्जन निकालना चाहिए ऐसा, और मुझे महंगी लगी, मुझे एक्सपेंसिव लगी थोड़ी सी। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो टॉर्क का तो रिव्यू दे दिया, पर
ओला का भी अभी तक इश्यूज जो है वो रिसॉल्व नहीं हुए, बिल्ड क्वालिटी अब तक सबसे घटिया ही चल रही है। दूसरी बात यह है कि ओला का मुझे जो पसंद नहीं आया वो यही था कि जिसमें कहा कि इको मोड में अगर आप कहीं पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो तो भूल जाइए, वो नहीं चढ़ने वाली है। डबल सीट में तो वो भूल जाइए, सिंगल सीट में भी नहीं चढ़ पाती। कुछ फ्रेंड्स ने लिए थे ओला, तो वो यहाँ पे पुणे में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट मोड में ट्राई कर रहे हैं, पर MOVOS 3 दिया है उन्होंने, अपडेट आया हुआ है, पर मुझे उसमें कुछ डिफरेंस कुछ फील नहीं हुआ। वही पावर जो है स्टार्टिंग में बहुत कम आई। और अभी ये एक यूज़र ने मुझे भेजी थी, ग्रुप में डाली थी वीडियो, खुद ही देख लीजिए। ओला का चलते चलते गाड़ी का टायर टूट गया है अभी का। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ओला का, कितना बेचारे को बुरा लग रहा होगा ना। वही मैं सोचता हूँ राजस्थान साइड का शायद ये वीडियो है। तो क्या यार, ओला वालों कब सुधरोगे यार, अच्छी गाड़ी कब बनाओगे? बनाओ ना, मतलब रिवॉल्ट भी वैसी, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ इश्यूज यार। तो प्लीज़ ज़रा बनाओ तो कुछ अच्छा, ज़रा पब्लिक को बोलते हैं ज़रा लेते वक्त ज़रा भरोसा होना चाहिए, ऐसे कुछ करो। तो ओला का वही प्रॉब्लम है, बाकी जिसको जो लेना है ले लीजिए। पर मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा ओला के बारे में ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा व्यूज़ है, ठीक है? तो देखते हैं जो भी आगे अभी और कौन सी वीडियोज़ आती है तो देखेंगे, शेयर करेंगे, उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए, ऑलवेज वेयर हेलमेट, ऑलवेज ड्राइव सेफ, ठीक है?